जो यूरेनियम जैसे भी पदार्थ जो है यहाँ पर मिलते हैं, और इस तरह के पदार्थों के होने के बावजूद भी ये राज्य हालिया जो सर्वे हुआ उसमें गरीबी के दूसरे पायदान पे पाया जाता है। आखिर क्या कारण? झारखंड को जो है खुला चारागाह बना दिया गया है, यहाँ के लोगों के जो पहचान को सुरक्षित नहीं किया गया है, उनके अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया गया है। बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं मुनाफा कमाने के लिए, और हमारे लोग आए दिन पेपर में ये छपता है कि दूसरे राज्य में फंसे हुए धक्के खा रहे हैं। हमारे लोग अपने राज्य में इतना कुछ होने के बावजूद बाहर जाने की नौबत आ रही है। मुख्यमंत्री ने अभी पीछे तो ये घोषणा की है कि 1932 का खतियान लागू होगा। स्थानीय नीति के लिए हमारी भी मांग यही है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए सबसे पहले खतियान को जो है आधार बनाया जाए, और जब ये हो जाए, अगर ये मुख्यमंत्री बोल तो रहे हैं, उन्होंने घोषणा अपने मैनिफेस्टो में डाला था 2019 के, और बाद में उनके सुर भी ज़रूर बदले, अभी वो बोल रहे हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं, मगर जब तक वो पूरा नहीं कर पाते हैं इस बात को, हम लोग ये इस बात पे हम लोग अड़े हुए हैं कि हम लोगों को हर हालत में खतियान आधारित जो है, क्योंकि सर्वे सेटलमेंट का तो साल बहुत लंबा चला है, आपका 19वीं शताब्दी से लेके आपका 20वीं शताब्दी तक चला, तो कोई एक नारा मात्र है, मगर जिसके हाथ पे जमीन के कागजात होंगे, मतलब वही है, वही होगा यहाँ का स्थानीय निवासी। और जो स्थानीय निवासी किसी भी राज्य का होता है तो उसकी पहचान के साथ साथ उसके जो अधिकार हैं वो भी स्वतः जो है सुरक्षित किए जाते हैं। ये राज्य सरकार का काम, और उसमें सबसे पहले तो आपका नियोजन आता है, और भी जो दूसरे जो है हमारे यहाँ जो भाषा नीति निर्धारित नहीं हुई है, उद्योग जिसके लिए हमारा देश जो है राज्य पूरे देश भर में जाना जाता है कि ना सिर्फ 40% बल्कि 16 ऐसे खनिज पदार्थ जो बेहद बेशकीमती हैं, जो यूरेनियम जैसे भी पदार्थ जो है यहाँ पर मिलते हैं, और इस तरह के पदार्थों के होने के बावजूद भी ये राज्य हालिया जो सर्वे हुआ उसमें गरीबी के दूसरे पायदान पे पाया जाता है। आखिर क्या कारण? तो बहुत सारे जो है झारखंड को जो है खुला चारागाह बना दिया गया है, यहाँ के लोगों के जो पहचान को सुरक्षित नहीं किया गया है, उनके अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया गया है, यहाँ के संसाधनों का जो सही जो राजस्व जो सरकारी खजाने में आना चाहिए था वो नहीं हो के इतने बड़े बड़े जो हम करोड़ों के जो घोटाले जो यहाँ के अधिकारी कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है यहाँ पर। और बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं मुनाफा कमाने के लिए, और हमारे लोग आए दिन पेपर में ये छपता है कि दूसरे राज्य में फंसे हुए धक्के खा रहे हैं। हमारे लोग अपने राज्य में इतना कुछ होने के बावजूद बाहर जाने की नौबत आ रही है, ये सब बहुत बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है हर दूसरी तीसरी चीज में। ये राज्य विस्थापितों का राज्य हम बोल सकते हैं, है ना? अभी से नहीं, जब से रेलवे लाइन बिछनी शुरू हुई तब से HEC बनना शुरू हुआ उस समय विस्थापन हुआ, आपका एयरपोर्ट के लिए, आपका आर्मी के लिए, आपका CRPF के लिए, आपका BCCL के लिए, आपका सेल के लिए, और आपके कई ऐसे माइंस जो है, आपके पांचों प्रमंडल देख लीजिए, आज का जो झारखंड है, जहाँ जहाँ भी माइंस मिनरल्स हैं वहाँ पर बाहरी कंपनियाँ आई हैं और विस्थापन का सिलसिला जारी रहा है। तो और सबसे बड़ी बड़ी विडंबना है कि जिनकी ज़मीनें गई हैं उनको विस्थापन का जो है पुनर्वास उनका तरीके से नहीं हुआ, आज वो दर दर भटक रहे हैं, वो अपनी पहचान के लिए भटक रहे हैं। HEC के लोग जिनकी कई एकड़ ज़मीन चली गई HEC को वो स्थापित करने में, मगर उनके पास ज़मीन का टुकड़ा तक नहीं है, वो अपना जाति आवासीय कैसे बनाएं? बहुत सारी समस्याएं जो हैं लगातार यहाँ इस राज्य के लोग झेल रहे हैं, और हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा हमारे जो युवा है, उनके सामने रोजगार की जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे आज तक जो किसी भी राज्य का जो एक पैमाना होना चाहिए था सफलता का, स्वास्थ्य और शिक्षा, आज भी इसमें हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है, उसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। शिक्षा का स्तर आप देखिए, बहुत सारे मॉडल्स बनते हैं, योजनाएं आ रही हैं, मगर अभी भी हमारे जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनका शिक्षा शैक्षणिक स्तर आप देखिए किस तरह का है।
अभी बहुत मतलब जो 22 साल में जो एक नया झारखंड जिस उद्देश्य के लिए के साथ बना था, गठन हुआ था, वो पूरा धाराशाही हो गया। मतलब यहाँ पर लोगों को उनके जो बुनियादी हक नहीं मिले हैं, जो एक जो मान सम्मान होना चाहिए था वो नहीं मिला है। और आज ये परिस्थिति ये हुई है कि हम लोगों को फिर से झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड को बचा मतलब कौन है, झारखंड के रहने वाले जो आदिवासी मूलवासी है, जो हमारे पूर्वजों ने इस जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, इतनी कुर्बानियाँ दी गई, आज तक यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, भाषा नीति नहीं है, भाषा पे आधार कई राज्य बन गए। आपका आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना राज्य बना है ना, और वहाँ की सरकार ने शुरू में ही ये घोषणा कर दी कि अगले 30 वर्ष तक के लिए इस राज्य का नियोजन जो है इस राज्य के निवासियों के लिए है। बिहार घोषणा कर रहा है, मध्य प्रदेश घोषणा कर रहा है, हर दूसरा तीसरा राज्य इस बात की को सुनिश्चित करता है कि हमारे लोग के अधिकार सुरक्षित रहें, मगर झारखंड को यहाँ पर खुला चरागाह।